हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर भावना मित्तल। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मतलब हार्मोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बड़ी कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं PCOD, के बारे में बात करूँगी। यह प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और इनफैक्ट इसका जो इंसिडेंस है वो समय के साथ बढ़ता भी जा रहा है। PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे, अपने किसी सिस्टर या किसी फ्रेंड किसी ना किसी से सुना होगा, या हो सकता है आपको खुद को भी ये समस्या हो, क्योंकि ये समस्या बहुत कॉमन है। एक इंसिडेंस के हिसाब से कहते हैं 10% फीमेल्स इस प्रॉब्लम से संक्रमित हैं, मतलब हर 10वीं लड़की को PCOD की दिक्कत हो सकती है। सही मायनों में बात करें तो PCOD कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का हार्मोन्स का इम्बैलेंस है जो कि बहुत लोगों को होता है। यह जो प्रॉब्लम है ये होता क्यों है? कुछ इस स्टडीज़ ऐसी भी आई हैं जिन्होंने बोला है कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक हो सकता है, बट कोई डायरेक्टली जीन या जेनेटिक इनहेरिटेंस इसमें नहीं पाया गया। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि किसी की मदर को PCOD था या किसी की बड़ी बहन को PCOD था, तो उस लेडी को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है PCOD का, वो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस, जो कि हमारी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होता है। यही कारण है कि ये प्रॉब्लम आजकल बढ़ भी रही है। आजकल लोग खाने पीने में संतुलित भोजन की जगह जंक फूड, मैदा, चिप्स, चॉकलेट्स, पैक्ड फूड, इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यही पुअर फूड हैबिट्स हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकती हैं। साथ ही अब हमारा लाइफस्टाइल धीरे धीरे सेडेंट्री होता जा रहा है, मतलब एक्टिविटी जो लाइफस्टाइल में है वो कम हो रही है। छोटे बच्चे भी आजकल खेलकूद की जगह TV, मोबाइल और वीडियो गेम्स में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। हर काम करने के लिए आज हमारे पास मशीन उपलब्ध है, चाहे वो हमारे घरेलू काम हैं, चाहे हमें चलकर जहाँ जाना होता था वहाँ आजकल हम गाड़ी या फिर बस या मेट्रो से जाते हैं। इसलिए हमारी एक्टिविटी जो फिज़िकल मूवमेंट है वो भी बहुत कम हो गई है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस, जो कि बढ़ता जा रहा है। आज एक छोटे से छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस हो सकता है। सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो आपकी पढ़ाई का स्ट्रेस है, या फिर घर में कोई इश्यूज़ हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पर कोई टेंशन है, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस का कारण है, और वो स्ट्रेस हमारी हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये चीज़ हम जान नहीं पाते, और धीरे धीरे वो बिल्डअप होके और हमारे को एक हार्मोनल डिजीज़ के रूप में प्रेजेंट करती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको PCOD है? यह डिपेंड करेगा कुछ लक्षणों के ऊपर। PCOD एक डिज़ीज़ है जो 15 से 45 साल के बीच की लेडी को अफेक्ट कर सकता है। जो यंग लेडीज़ हैं, जो अनमैरिड हैं, जो एडोलेसेंट हैं, उनको क्या दिक्कत महसूस होगी? हो सकता है उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम फेस हो रही हो, जैसे कि पीरियड्स का लेट आना या ब्लड का फ्लो ठीक तरह से नहीं होना। कुछ लोगों को एक्ने, पिंपल्स, मुहासे होने लगते हैं। कुछ लोगों को चेहरे पे या शरीर के विभिन्न अंगों पे एक्सेस हेयर, बाल ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है। ये सब एक हार्मोनल प्रॉब्लम की तरह प्रेजेंट करता है। जब एक मैरिड लेडी अगर PCOD से सफ़र करती है, तो उसको दिक्कत आती है बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की, क्योंकि उसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो सही समय पे अंडे का बनना, मतलब ओवुलेशन का जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए जब कपल ट्राई करता है तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनको किन दिनों पे ट्राई करना चाहिए, कौन से दिन पे ट्राई करने से फर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। यही प्रॉब्लम PCOD की अगर चलती रहे और आप परसिस्ट करें 40-45 की उम्र में, तो ऐसा तक पाया गया है कि ऐसी लेडीज़ में कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस और लोगों से ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि PCOD में एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है, बट उन लोगों को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। ये लोग ज़्यादा कॉमनली डायबिटिक और हाइपरटेंसिव भी हो सकते हैं। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि PCOD के लक्षण क्या समझने हैं, और
अगर आपको लग रहा है कि आपको या आपके किसी प्यारे जानने वाले को ये प्रॉब्लम है, तो करना क्या है आगे? सबसे पहले तो एक सही डायग्नोसिस होना चाहिए। उस डायग्नोसिस के लिए आपको किसी डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसी किसी भी समस्या, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर होना, या फिर एक्सेसिव फेशियल हेयर या बॉडी हेयर होना, या बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना, या फिर हेयर लॉस भी हो सकता है, और या फिर कंसीव करने में दिक्कत है, या फिर किसी और ब्लीडिंग इश्यूज में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप जब जाएंगे तो डॉक्टर आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, उसके साथ ही वो आपको कुछ टेस्ट भी रिकमेंड करेंगे। ये टेस्ट होंगे कुछ बेसिक हार्मोनल ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, गाइनी अल्ट्रासाउंड। सिर्फ इतनी सी जांचों से ये डायग्नोसिस बन सकता है कि वेदर आप ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद इसका ट्रीटमेंट चालू होता है। सबसे अच्छी बात है कि पीसीओडी का 50% से भी ज़्यादा ट्रीटमेंट आपके अपने हाथ में है। दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो अगर आपको ये बताया गया है कि आपको पीसीओडी है, तो उसका ज़्यादातर इलाज आप अपने आप खुद कर सकते हो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है डाइट। आपको अपना डाइट संतुलित करना है। कोई भी जंक फूड, ख़राब चीज़ों का सेवन इसमें कम से कम करना है। अपना बॉडी मास इंडेक्स, जो कि होता है हमारा बॉडी का वज़न अकॉर्डिंग टू अवर हाइट, BMI, वो हमें 20 से 25 के बीच में रखना है। दैट मीन्स कि हमें बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। दूसरा होता है फिज़िकल एक्टिविटी। सो वी हैव टू बी फिज़िकली एक्टिव टू प्रिवेंट आर सेल्फ फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम PCOD एंड अदर हार्मोनल इशूज। वी हैव टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 घंटा पर डे फिज़िकल एक्सरसाइज एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, इन द फॉर्म ऑफ योगा, इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग, डिपेंड्स वॉट एवर यू इन्जॉय, इट डजंट हैव टू बी फिक्स्ड। जो भी आप इन्जॉय करें, जो भी चीज़ आपको फिजिकल एक्टिविटी दे और साथ में मेंटल रिलैक्सेशन दे, वो आप फॉलो करिए। स्ट्रेस डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स हैं, टेंशनस हैं, फैमिली टेंशन हैं, सबको भूलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको हार्मोनल इश्यूज़ हो जाएंगे और ये सब इश्यूज़ उल्टा ही आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिसोसिएट करिए अपनी प्रॉब्लम से। चाहे मेडिटेशन फॉलो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन स्ट्रेस में नहीं जीना, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ख़राब करता है। ये बात हो गई कि आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी प्रॉब्लम इन सब नॉर्मल मेथड से नहीं ठीक होते, तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपकी दिक्कत क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यदि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको हार्मोनल मेडिसिंस पे रहना पड़े कुछ समय तक के लिए। यदि प्रॉब्लम पिंपल्स की है और यदि प्रॉब्लम हेयर ग्रोथ की है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कोई डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी की भी मदद लेनी पड़े, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट्स एंड डीपिगमेंटेशन एंड ऑल दीज ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प यू इन एडिशन टू द हार्मोनल ट्रीटमेंट। यदि प्रॉब्लम बांझपन की है, इनफर्टिलिटी की है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगेन, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो सकता है। हो सकता है कि सिर्फ आपको सही प्रिकॉशन समझा के डॉक्टर आपको ठीक कर दें, या हो सकता है आपको दवाइयों पे डालें, या अगर आपकी प्रॉब्लम इतने से भी सॉल्व ना हो, तो हो सकता आपको हायर ट्रीटमेंट जैसे IUI, IVF, ICSI वगैरह पर जाना पड़े। यदि एक एल्डरली लेडी को ये दिक्कतें हो रही हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हो रहा है, तो अगेन बहुत तरह के हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, और कभी कभी वर्स्ट केसेस में सर्जरी वगैरह की भी मदद लेनी पड़ती है। तो यदि आपको लगता है ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, तो घर पे ना बैठें। सबसे पहले उन लक्षणों को समझें, उनका डायग्नोसिस कराएं सही तरह से, उसके बाद में पहले अपना लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली का सुधार करें, और अगर ज़रूरत लगती है तो डॉक्टरी हेल्प भी ज़रूर लें। बीमारी को बढ़ने ना दें, क्योंकि ये बीमारी पूरी तरह से क्योरेबल है। थैंक यू।